और 2018 और 2017 में बोनस भी इशू किया था, तो काफ़ी अच्छी गोदरेज ग्रुप की कंपनी है। अगर आपने ले रखा है तो मेरे हिसाब से होल्ड ही करिएगा। अगर लेना भी चाहते हैं तो लॉन्गर टर्म के नज़रिए से इस स्टॉक को लोअर रेट्स पे भी ले सकते हैं। और अगर आप 2019 की बात करेंगे तो लगभग 800% का डिविडेंड इस कंपनी ने दिया 2019 में, ये आप देख सकते हैं। और बोनस की अगर आप बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं 1:1 + 1:2 का बोनस भी इशू किया था। और ये कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज ग्रुप की कंपनी है। और काफ़ी अच्छा इसका अगर आप देखेंगे स्टॉक भी चलता है और FMCG सेक्टर के अंदर आती है। और इसका अगर आप देखेंगे, इसका जो 52-week लो है वो लगभग 575 है और हाई 824, और अब जो स्टॉक चल रहा है 712 के करीब। तो मेरे हिसाब से थोड़ा और अगर नीचे आता है तो लेना चाहिए। और कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी है, उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्लस डिविडेंड डिक्लेयर किए जाएंगे। और मेरे हिसाब से 200-300% के बीच में जो है डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए। और इसका अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो अक्टूबर के टाइम, सितंबर अक्टूबर में लो मारा, उसके बाद अगर आप देखेंगे कंटिन्यू जो है स्टॉक फिर अच्छा ग्रो किया, तो एक मौका इस स्टॉक के अंदर बनता है लेने का फिर। और इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इसका अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1 रुपये का फेस वैल्यू है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, लेकिन लोअर रेट्स पे अगर लेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो नेट सेल सितंबर क्वार्टर में 1490 के करीब था और नेट प्रॉफिट 334। और 2018 में अगर आप देखेंगे 1480 के करीब सेल्स था और 295। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स तो लगभग सेम के करीब है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूस ग्रो हुआ है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटर मैंने BSE की साइट से निकाला है। और इनकी जो बोर्ड की मीटिंग होने वाली है वो 29 जनवरी 2019 को होगी, और इंटरिम डिविडेंड और फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने जो है तय किया है, वो है 6 फरवरी 2019। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है या लेना चाहते हैं तो 6 तारीख के पहले आपको लेना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल रह सको। तो आज इसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।